गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों, हमने हमारा सेकेंड चैप्टर गोभी का फूल स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि बाबू हनुमान प्रसाद जो है वह सब्जी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं और किसी से भी सब्जी लेने के लिए बाज़ार में अपने घर की साग सब्जी वे खुद ही खरीद के लाते थे और सब्जी के साथ में हरा धनिया की गड्डी मुफ्त में, शलजम के पत्ते तुड़वा के तुलवाने का, आलू को छांट छांट कर चढ़ाना और अरवी को धुलवा कर लेना, ये सब इनकी खासियत थी, जिसके कारण क्या था, सब्जी मंडी वाले इनसे हर तरह से, हर सब्जी मंडी वाला का जो भी सब्जी बेचता था वह उससे बचना चाहता था। ठीक है, उन्हें हरी सब्जी का एक मर्ज जैसे हम कहते हैं वह कह लेना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई उन्हें हरी सब्जी का टोकरा गिफ्ट करेगा तो बहुत खुश हो जाते हैं और वो उनके जन्म के साथी बन जाते हैं, यहाँ तक कि उन्हें और कोई अन्य महंगी चीज़ें गिफ्ट करो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन जो लेखक है उसके मुंह से अचानक निकल जाता है कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ, तो वो कहते हैं कि अरे भाई वर्मा जी, आप लखनऊ जा रहे हो तो मेरे लिए 5 फूल गोभी लेते आइएगा। वहाँ पे फूल गोभी के रेट भी उन्हें बताए, 1-1 रुपए मिलते हैं, और वे हाँ ना कुछ कहते उससे पहले उनके हाथ में पैसे दे दिए। अब जो लेखक है वर्मा जी, उनके ऊपर इतनी बड़ी जवाबदारी है कि जब वह लखनऊ में अपना काम ख़त्म करते हैं उसके बाद में वह लखनऊ में और घूमने लायक जगह जैसे हज़रतगंज हो गया, नुमाइश हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, कॉफ़ी हाउस हो गया, उसको ना देखकर वह सीधे सब्जी मंडी में जाते हैं। सब्जी मंडी में जाने के बाद में वे वहाँ पे सब्जी वाले से मोल भाव करते हैं तो वह 2 रुपए का बताता है गोभी का फूल, लेकिन जैसे तैसे भाव करके, इधर ट्रेन का टाइम भी हो रहा था तो वर्मा जी ने भाव ताव करके वह 1.5 रुपए का लगाया और अपने लिए भी लिए सब्जी फूल गोभी लेकर वह आगे चलते। उसके बाद क्या होता है कि प्लेटफॉर्म पर हाथ में खूबसूरत अटैची के साथ एक झाबा, मतलब एक बड़ा टोकरा, जिसे हम ये टोकरे इसको झाबा कहते हैं, एक झाबा गोभी का फूल लेकर सफ़र करने वालों में अपने ढंग का अकेला ही मुसाफिर दिखाई पड़ रहा था। अब लेखक को खुन्नक भी आती है कि मेरे पास में एक खूब सुंदर सी अटैची है, साथ में एक फूल गोभी का इतना बड़ा टोकरा है जिसको लेकर वह अकेला ही मुसाफिर है, क्योंकि सफ़र करने के लिए लोग बाग क्या करते हैं, कम से कम लगेज रखते हैं। अब इनके सामने लगेज, साथ में लगेज तो है, साथ में फूल गोभी का टोकरा भी जो कि काफ़ी बड़ा है। टिकट चेकर 2 बार पास से गुजरा, कूली से पूछा गया कि सामान बुक करवा लिया है या नहीं, तो वह कहता है टिकट टेकर चेकर बार बार गुजर रहा, सामान ज़्यादा देखकर टिकट चेकर भी कूली से पूछता है कि इनने सामान बुक कराया है कि नहीं कराया है। 2-1 परिचित चेहरे भी दिखाई दिए, अब कहीं हम जाते हैं आसपास घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हमें हमारे जान पहचान वाले भी मिल जाते हैं, तो वो कहते हैं कि अब इतने सारे फूल गोभी को साथ में देखकर कहते हैं मजाक में कि बताओ दावत कब की है। संजीदगी से जवाब देता हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर बढ़ती हुई भीड़ और अपने गोभी के झाबे को देख रहा था। अब वह क्या करता है, संजीदगी का मतलब होता है बड़ी गंभीरता से जवाब देता है कि हाँ हाँ जब होगी दावत होगी तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। ठीक है, ऐसे कहते हुए प्लेटफॉर्म में अपने सामान को लेकर आगे बढ़ रहा है और कूली ने भी कहा है कि मैं आपको चढ़ा दूंगा पर लेकिन मुझे 1 रुपया इनाम का चाहिए। अब ट्रेन आ जाती है, ठसाठस भरी मेल। अब जब ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म के ऊपर तो पूरी भरी हुई है और मारामारी का दृश्य जो कि हम नॉर्मल देखते ही हैं। कुछ लोग डिब्बे से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे थे और कुछ चढ़ने का, कुछ लोग उस डिब्बे से बाहर निकल रहे थे और कुछ लोग उसमें चढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे। मेरे कुली ने अब न चूक चौहान की तरह मुझे ललकारा। अब न चूक चौहान मतलब ये एक मुहावरा है जो पृथ्वीराज चौहान के लिए है, तो मेरे कुली ने कहा कि तुम अब अपने निशाने को मत चूको और मुझे ललकारा, मतलब कि जो ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गजनवी के बीच जब युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान को अपना बंदी बना लिया था और उन्हें मार आंखें फोड़ दी थी। इनका ये जो निशाना लगाते थे ये आवाज़ के साथ शब्द भेदी बाण चलाते थे, तब इनकी पास इनका जो एक कवि था वह उस महमूद गजनवी के पास बैठता है और एक कविता कहता है, उसकी ये लाइन है कि अब न चूक चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान ने एकदम सटीक निशाना लगाया और मोहम्मद गजनवी को मार गिराया, तो तब से ये कहावत बन गई अब न चूक चौहान। में भीतर घुसने लगा, भीतर वाले मुझे दूसरे डिब्बे में खाली जगह के बारे में अतिरिक्त जानकारी के साथ रेल के सारे कानून एक साथ समझाने पर
तुल गए। तुल गए का मतलब कि वो लोग सभी जो थे उसका सामान देखकर उसको देखकर बोला कि लो इसे कहाँ से बैठाएंगे, क्या करेंगे, और उन्हें कहते कि आगे वाले डिब्बे में जगह खाली और आप इतना सारा सामान लेकर चल रहे हो तो आपको रिजर्वेशन करा लेना चाहिए। पर हया नामक वस्तु में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर ही डिब्बे में भीतर घुसा था। अब हया मतलब शर्म, कि वह शर्म नाम की वस्तु को मैं छोड़कर प्लेटफॉर्म पर भी डिब्बे के अंदर घुसा था। भीतर घुसते ही गोभी के फूलों की चिंता हुई। झापा पूरा भीतर नहीं आ सकता था, अब अंदर घुस तो गया, साथ ही देखा कि जो गोभी का झापा था वह टोकरा पूरा अंदर नहीं आ रहा था। गोभी के फूल धीरे धीरे करके भीतर आ रहे थे, अब उसे धीरे धीरे अंदर ले रहे थे क्योंकि जो टोकरा है वह खाली काफ़ी ऊपर तक भरा हुआ था। और जो है जब इसको अंदर ले रहे थे तो एक तो चौड़ा था तो दरवाजे के अंदर से इसको लेना भारी पड़ रहा था। आखिरी किस्त में दो फूल प्लेटफॉर्म पर से खिसक कर डिब्बे के नीचे रेल की पटरी पर पहुंच गए। मैं कुली पर बिगड़ने लगा, कुली इनाम मांगने पर अटका हुआ था और मैं गिरी हुई गोभी के दाम पर। अब दोनों में कहां बहस शुरू होती है कि जब वह सामान को अंदर चढ़ा रहा होता है तो चढ़ाते चढ़ाते क्या होता है कि जो दो फूल गोभी थी उस टोकरे में से दो फूल गोभी डिब्बे से खिसक कर नीचे पटरी पर पहुंच जाती है। और अब वह क्या है लेखा किसी भी, अब बताओ इतनी मुश्किल से 1.5-1.5 रुपये में गोभी मिली और उसमें भी दो गोभी गिर गई तो मतलब 3 रुपये का नुकसान हो गया। तो वह इसी बात पर बिगड़ने लगता है और कुली जो है वह इनाम मांगने पर ही लगा रहता है और मैं उसे गिरी हुई गोभी के दाम बताता रहता हूँ। तू मैं बढ़ने लगी, दोनों अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ऊंच नीच कह रहे थे। अब दोनों में क्या हुआ कि तू मैं बहस बढ़ने लगी और दोनों ही अपनी अपनी भाषा में एक दूसरे को ओछी बड़ी बातें मतलब छोटी बड़ी बातें ऊंच नीच कहने लगे कि तूने मेरी गोभी गिरा दी। अब कुली कह रहा होगा कि तुम इतने बड़े आदमी हो, ये है वो है, तुम रिजर्वेशन करा के नहीं चढ़ा सकते हो। इस तरह से गाड़ी का भीतर का दृश्य भी निराला था। एक स्वर कहता था साहब उधर ले जाए ना, दूसरा जे बेंच के नीचे कर लीजिए। अब गाड़ी के भीतर जब हो गया तो उसके बाद में जब इनकी तू मैं होने लगी तो लोग बात क्या है अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कहता कि आइए आप अपना सामान को उधर ले जाओ और कोई कहता कि इस बेंच के नीचे रख लो। तीसरा ऊपर से जाने का सुझाव देता तो तीसरा कहता कि इसके ऊपर से ही निकल जाओ, क्यों इधर उधर कहते। पर कोई भी अपनी जगह से तिल भर हिलने को भी तैयार न था, लेकिन कोई भी जो था वह अपनी जगह से बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं था। गोभी का जाबा वहीं नीचे पड़ा रहा, गोभी का जाबा वहीं पैरों में ही पड़ा रहा। स्टेशनों पर गाड़ी रुकती रही और लोग डिब्बे में चढ़ते, सबके मना करने पर भी उसी तरह घुसते रहे जिस तरह मैं घुसा था। अब सभी स्टेशनों पर रेल रुकी और डिब्बे में सभी लोग चढ़ने लगे और सभी उस तरह से उसके वह क्या करता उसको मना करता कि भाई इधर जगह नहीं है उधर चले जाओ, लेकिन सभी लोग उसी डिब्बे में घुसे आ रहे थे। मेरा अकेला स्वर डिब्बे में खुलते ही मुझे सुनाई पड़ता था, बचाइएगा। अब उसके अकेले का ही स्वर सुनाई पड़ता था कि अरे इसको बचाइएगा, देखो इधर, अरे अरे इधर नहीं इधर गोभी है, अरे ट्रंक उधर ले जाओ। अपने गोभी के टोकरे को संभालने में ही उसका सारा का सारा समय निकल गया, लेकिन जो जनता है वह किसी की नहीं सुनती है तो उसने लेखक की भी नहीं सुनी। बाकी आगे क्या होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर अच्छे से रीड करना है, इसकी बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊँगी। थैंक यू।